हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ज्योति एंड आई एम अ होम्योपैथिक कंसल्टेंट एट द मारिया क्लिनिक। दिस वीडियो इज़ अबाउट लाइकन प्लेनस, जो कि काफ़ी लोगों को आज के टाइम पे परेशान कर रहा है। सो दिस वीडियो वुड गिव यू फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइकन प्लेनस एंड हाउ वी कैन मैनेज इट विद होम्योपैथी। लाइकन प्लेनस जो है वो एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जो इम्यून सिस्टम ट्रिगर्ड होती है। सो लाइकन प्लेनस बेसिकली एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वेरियस बॉडी पार्ट्स को अटैक करना शुरू करता है एंड वहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। इन्फ्लेमेशन क्रिएट होने की वजह से लाइकन प्लेनस का जो प्रॉपर अपीयरेंस है, जैसे स्किन के ऊपर अगर वो अपीयर होता है तो वो पर्पलिश कलर का थोड़ा सा उठा हुआ उभरा हुआ लीजन बनता है स्किन के ऊपर एंड वो चोट जैसा लगता है। सो बेसिकली शरीर जो है वो बिना किसी रीज़न के पर्टिकुलर जगह को अटैक करना शुरू करता है एंड उसकी वजह से ये बीमारी निकल के आती है। ये बीमारी जो है वो स्किन पे हो सकती है और नेल्स पे हो सकती है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी हो सकती है, जैसे मुंह के अंदर या फिर प्राइवेट पार्ट्स के आसपास। सो ये सब प्रेजेंटेशन उसकी हो सकती है। आई हैव पुट फोटो ऑल्सो ताकि आपको समझ आए कि लाइकन प्लेनस दिखता कैसे है, ताकि अगर आपको भी ये बीमारी है तो यू कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस। सो लाइकन प्लेनस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता होती है शरीर की, वो इन्फेक्शन के बजाय हमारे जो नॉर्मल चीज़ें होती है शरीर की, जैसे स्किन है, नेल्स है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन है मुंह के आसपास या फिर वजाइना के आसपास, उन जगह को अटैक करना शुरू करता है। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करके एंड वहाँ पे पर्टिकुलर टाइप के दिखने वाले स्किन लीजन प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज़ लाइकन प्लेनस। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं लाइकन प्लेनस के डेवलपमेंट के लिए? ऑल्दो एसच कुछ कॉज नहीं होता है लाइकन प्लेनस होने के लिए, बट लाइकन प्लेनस जो है वो किसी को भी किसी भी एज में किसी भी टाइम पे डेवलप हो सकता है। बट फीमेल्स जो हैं वो दुगना होता है अकरिंग रेट लाइकन प्लेनस का। सो फीमेल्स आर मोर एक्सपोज टू लाइकन प्लेनस रादर देन मेल्स। इसके अलावा जैसे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, हेपेटाइटिस सी, उसके बाद लोगों को कई बार लाइकन प्लेनस डेवलप हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ लाइकन प्लेनस देन देर आर मोर चांसेस दैट यू ऑल्सो माइट डेवलप लाइकन प्लेनस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे स्ट्रेस है, आजकल पीपल हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, उनको टेंशन बहुत रहती है ऑफिस में घर में, तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी हो सकता है लाइकन प्लेनस। इसके अलावा अगर एलर्जन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आयोडीन है या फिर आर्सेनिक है, इन सब चीज़ों से जब एक्सपोजर होता है, जैसे जो लोग केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको भी लाइकन प्लेनस कई बार डेवलप हो सकता है। सो दीज कुड बी द रिस्क फैक्टर्स फॉर लाइकन प्लेनस, बट एज सच डायरेक्ट कनेक्टिविटी किसी भी चीज़ के साथ नहीं होती है। ये सब चीज़ें लाइक इट कैन इंक्रीज द चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लाइकन प्लेनस, बट लाइकन प्लेनस का कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं होता है। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है लाइकन प्लेनस की? एसच तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, बट क्योंकि वो स्किन पे जब अपीयर होता है तो बहुत इचिंग होती है उसमें एंड इचिंग की वजह से वो जो लीजन है वो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है, स्किन जो है वो और ज़्यादा हार्ड आती है उसके ऊपर। सो दिस इज़ यूजली द कॉम्प्लिकेशन ऑफ लाइकन प्लेनस। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब वो लीजन डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसके बाद जिस जगह पे वो लीजन होता है, जिस जगह पे वो अपीयर होते हैं, वहाँ पे डार्क कलर हो जाता है स्किन का। सो हाइपर पिगमेंटेशन इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ लाइकन प्लेनस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो माउथ में होता है या फिर वजाइना के आसपास होता है तो उस सिचुएशन में वो पेनफुल भी हो सकता है। सो पेन कैन बी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ लाइकन प्लेनस। अपार्ट फ्रॉम दैट,
ये किसी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को भी ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि जब किसी में कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जैसे सोरियासिस या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, जो एंटीबॉडी इंड्यूस्ड होता है, सो इस सिचुएशन में दोनों चीज़ें साथ साथ अपीयर होती हैं. सो इफ़ यू हैव वन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन साइड योर बॉडी, देन यू आर मोर प्रॉन टू डेवलप अनदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एज वेल. वेरी अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लाइकेन प्लेनस कैन बी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जो कि एक स्किन कैंसर होता है, बट वो बहुत रेयरली देखने को मिलता है. सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लाइकेन प्लेनस. सिम्टम्स क्या होते हैं लाइकेन प्लेनस के? लाइकेन प्लेनस डिपेंड करता है किस साइट पे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके सिम्टम्स होते हैं. अगर लाइकेन प्लेनस जो है वो स्किन पे अपीयर होता है तो पर्पलिश कलर का होता है और फ्लैट टॉप का होता है, एक चपटे होते हैं जो लीजन अपीयर होते हैं, एंड उस पर इचिंग काफ़ी होती है. अगर वो माउथ में या फिर प्राइवेट पार्ट में वजाइना के आसपास अगर डेवलप होते हैं तो वो सोर और पेनफुल होते हैं, एंड उनका अपीयरेंस भी डिफरेंट होता है. वो लेसी वाइट कलर के अपीयर होते हैं अगर म्यूकस मेम्ब्रेन पे होते हैं. इसके अलावा अगर स्कैल्प पे लाइकेन प्लेनस होता है तो हेयर लॉस इज़ अ सिम्टम ऑफ लाइकेन प्लेनस, अगर वो स्कैल्प पे होता है तो, बिकॉज ऑफ इचिंग एंड जो टेक्स्चर है स्किन का और स्कैल्प का वो ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से हेयर फॉल भी होता है पेशेंट्स को. अगर नेल्स पे लाइकेन प्लेनस अपीयर होता है देन नेल्स जो है वो ब्रिटल और डैमेज्ड हो जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, इचिंग की वजह से जो स्किन है वो काफ़ी हार्ड भी आती है कई बार. सो कभी कभी इचिंग की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है लीजन्स के ऊपर और ब्लिस्टर अपीयर होने लग जाते हैं. सो उसमें लाइक फ्लूइड भरता है एंड ब्लिस्टर जो है वो बर्स्ट होते हैं, फिर स्कैब फॉर्मेशन होती है. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ लाइकेन प्लेनस. देन हम कॉज की तरफ अगर देखें लाइकेन प्लेनस के, सो इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं होता है. ये ऑटो इम्यून ट्रिगर्ड बीमारी है एंड इसका कोई रीज़न नहीं होता है स्पेसिफिक कि ये क्यों होता है. एग्जैक्ट कॉज ऑफ इम्यून अटैक इज़ नॉट नोन इन लाइकेन प्लेनस, बट इट कैन बी ट्रिगर्ड बाई वेरियस फैक्टर्स लाइक वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी जो होता है, उसके बाद बॉडी में लाइकेन प्लेनस ट्रिगर हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ लाइक समवन टेक्स फ्लू वैक्सीन, तो फ्लू वैक्सीन के बाद भी ये ट्रिगर हो सकता है. एंड इसके अलावा अगर आप सर्टेन मेडिकेशन पे हो, जैसे डायूरेटिक्स जो होते हैं किडनी डिसऑर्डर्स में जो यूज़ होते हैं, सो उसके बाद भी लाइकेन प्लेनस ट्रिगर हो सकता है, लाइक इट कुड बी ड्रग इंड्यूस्ड ऑल्सो. इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है एंड आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, उसके बाद भी लाइकेन प्लेनस कई बार लोगों को डेवलप होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप आर्सेनिक या आयोडीन एक्सपोजर में रहते हो, ये एलर्जेंस होते हैं, तब भी लाइकेन प्लेनस जो है वो ट्रिगर हो सकता है बॉडी में. कैसे करेंगे लाइकेन प्लेनस के केस को? लाइकेन प्लेनस को डायग्नोज करने के लिए फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी होता है, बट टू रूल आउट अदर सिचुएशंस एंड उस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए हम स्किन बायोप्सी करा सकते हैं, स्क्रेपिंग्स का टेस्ट कर सकते हैं लीजन का, एंड सेल मॉर्फोलॉजी लाइक अपीयरेंस ऑफ सेल देख के वी कैन डायग्नोज द सिचुएशन ऑफ लाइकेन प्लेनस. एडिशनली इसका ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है? तो बेसिकली इसको ट्रीट करना लाइक उसमें इचिंग में रिलीफ देना है एंड डिसअपीयरेंस ऑफ लीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसके लिए एलोपैथी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट्स या एंटी हिस्टामिन्स देते हैं, जिसके खुद के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं वो यूजुअली इम्यूनोसप्रेसेंट से ही ट्रीट करते हैं एलोपैथी में, ताकि इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाए एंड जो लीजन्स है वो टेम्पररीली रिलीफ मिले पेशेंट को. बट ये बीमारी का परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है. उससे जो अंडरलाइंग कॉज है, जैसे हेपेटाइटिस सी है या फिर कोई एलर्जन एक्सपोजर है, तो उसके लिए हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. लाइक एलर्जन एक्सपोजर अगर है तो वी कैन आस्क द पेशेंट कि आप उसका एक्सपोजर में ना रहें, एंड हेपेटाइटिस सी अगर है तो उसमें ट्रीटमेंट हम पेशेंट को अकॉर्डिंगली दे सकते हैं. बट ऑटो इम्यून रिएक्शंस जो होते हैं उनका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज होता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, एंड हम लोग कोई स्टेरॉयड यूज़ नहीं करते हैं. वी डोंट यूज़ इम्यूनोसप्रेसेंट्स ऑल्सो या फिर एंटी हिस्टामिन्स.
So homeopathy has good medicines for autoimmune reactions. मैनेज कैसे करेंगे एक लाइकन प्लेनस के केस को? सो लाइकन प्लेनस में मोस्टली जो प्रॉब्लम है वो इचिंग का होता है, तो पेशेंट को हमें एडवाइस करना चाहिए कि वो ज़्यादा स्क्रैच ना करे. स्क्रैच करने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती है, इससे स्किन जो है वो और ज़्यादा हार्ड आती है एंड कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है बिकॉज ऑफ नेल्स. सो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वी शुड एडवाइस द पेशेंट एंड वी शुड गिव मेडिसिन टू कंट्रोल द इचिंग ताकि पेशेंट स्क्रैच ना करे. इसके अलावा हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है. इफ़ द स्किन वुड बी हाइड्रेटेड देन इचिंग ऑटोमेटिकली थोड़ा कम होता है. इसको हाइड्रेटेड रहने के लिए यू हैव टू ड्रिंक इनफ वाटर, लाइक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स होना चाहिए 24 आवर्स में आपका. इसके अलावा आप मॉइस्चराइज़र अगर लगाएंगे, जिसमें या तो आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगा सकते हो जो प्योर होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन अप्लाई वर्जिन कोकोनट ऑयल ऑल्सो. तो वो लगाने से स्किन पे लाइक ड्राइनेस नहीं आती है एंड स्किन खिंचती नहीं है बिकॉज ऑफ लेस टेंशन स्किन के ऊपर, तो वो स्क्रैचिंग भी थोड़ा सा रिलीव होता है पेशेंट को. इसके अलावा कोल्ड बाथ आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो. अगर वो ठंडे पानी से नहाते हैं तो भी इचिंग में रिलीफ मिलता है, सो इट कैन हेल्प इन सूदिंग द स्किन. अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड आस्क द पेशेंट टू टेक हेल्दी डाइट एंड जिस भी चीज़ से इन्फ्लेमेशन एग्रवेट होती है, जैसे ग्लूटेन है, तो ये सब चीज़ें अगर गेहूँ, ये सब चीज़ें अगर पेशेंट अवॉइड करता है तो जल्दी ठीक हो जाता है एंड इचिंग बहुत कम होती है पेशेंट को. तो जितनी भी इन्फ्लेमेशन कॉजिंग डाइट है वो पेशेंट को नहीं लेना चाहिए एंड पेशेंट शुड नॉट यूज़ पैक्ड फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, आर्टिफिशियल कलर होते हैं. ये सब चीज़ें पेशेंट को नहीं लेना चाहिए अगर ऑटोइम्यून रिएक्शन कोई भी है तो. देन लाइक हेल्दी लाइफ स्टाइल लाइक ऑब्वियसली हेल्प्स. अगर आप एक्सरसाइज करते हो, यू स्टे एक्टिव, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है लाइकन प्लेनस के ट्रीटमेंट में बिकॉज ऑटोइम्यून ट्रिगर्ड है. तो ऑटोइम्यून बीमारियों में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है. अगर आप एक्टिव रहते हैं, फिजिकली एक्जर्टिंग योर सेल्फ, तो उस टाइम पर आपको बहुत हेल्प मिलता है किसी भी ऑटोइम्यून रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए. देन अगर स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, तो किसी भी ऑटोइम्यून रिएक्शन के लिए स्ट्रेस अच्छा नहीं होता है. सो अगर स्ट्रेस को आप मैनेज कर लेंगे बाय मेडिटेशन और बाय रिमूविंग द स्ट्रेस, देन इट वुड हेल्प इन ट्रीटमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी या फिर बहुत मसालेदार आप खाना खाते हैं तो उससे भी इचिंग एग्रवेट होती है. सो टेक सिंपल डाइट एंड हेल्दी डाइट लाइक फुल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड जितना ग्लूटेन फ्री डाइट आप रखोगे उतना बेटर है आपके लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट एक अगर आप अल्कोहल लेते हो, आप स्मोक करते हो, तो वो आपको नहीं करना चाहिए. देन इसके अलावा अगर एलर्जन एक्सपोजर है आपके केस में, एलर्जी की वजह से आपको लाइकन प्लेनस जो है वो ट्रिगर हुआ है, तो यू शुड ऑब्वियसली अवॉइड बीइंग एक्सपोज्ड टू देम. सो ये सब चीज़ें करके यू कैन लाइक मैनेज अ केस ऑफ लाइकन प्लेनस. में लाइकन प्लेनस के केस को कैसे मैनेज करेंगे? सो बेसिकली किसी भी ऑटोइम्यून रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए वी हैव टू नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, कि उसका पर्सनालिटी टाइप कैसा है, उसका बचपन से अभी तक का हिस्ट्री क्या है. ऑन बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट, एक सिंगल मेडिसिन जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब अगर करेंगे होम्योपैथिकली, सो उससे ऑटोइम्यून रिएक्शन बहुत अच्छे से कंट्रोल होते हैं एंड द पेशेंट कैन बी रिलीव्ड लाइक परमानेंटली, क्योर हो जाता है उस सिचुएशन का एंड वो दोबारा नहीं आती है. रैदर देन यूजिंग एंटीहिस्टामिन्स या फिर इम्यूनो सप्रेसेंट्स या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिनके खुद के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यू शुड ऑप्ट फॉर होम्योपैथी ताकि आपको बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के अपनी बीमारी का इलाज मिल सके. होम्योपैथी में बहुत बड़ा मिथ आजकल है लोगों को कि स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं या फिर इम्यूनो सप्रेसेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें वी डोंट हैव एनी सच थिंग. सो सिंपल मेडिसिंस होती हैं जिनका एक प्रॉपर तरीका है प्रिपेयर होने का एंड वो मेडिसिन यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटिंग एनीथिंग. सो ऑटोइम्यून रिएक्शंस का बहुत अच्छा इलाज होता है होम्योपैथी में. यू शुड डेफिनेटली ट्राई होम्योपैथी.
एंड डूज एंड डोंट्स क्या है एक लाइकन प्लेनस के केस के लिए? सो सबसे बड़ी चीज़ जो करनी चाहिए पेशेंट को, एक ही शुड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते हो, मेडिटेशन करते हो, तो ऑब्वियसली आपको हेल्प मिलता है फॉर ट्रीटिंग एनी डिजीज इन द बॉडी। अच्छा डाइट अगर होता है तो भी बॉडी को हेल्प मिलता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। देन कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, अप्लाई मॉइस्चराइजर, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है। यू कैन टेक कोल्ड बाथ ट्वाइस अ डे, सो उससे बेटर फील होता है डिपेंडिंग ऑन द वेदर जिस भी एरिया में आप रहते हो। देन प्लेंटी ऑफ वाटर यू शुड हैव, लाइक जितनी भी पानी की चीज़ें आप ले सकते हो पूरे दिन में, उतना आपकी स्किन के लिए बेटर रहेगा। देन डोंट्स क्या है कि अगर जो भी अंडरलाइन कॉज है, जैसे आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, देन अगर एलर्जन एक्सपोजर है आपके केस में, आर्सेनिक, आयोडीन, या फिर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, केमिकल फैक्ट्री में, देन यू शुड ऑब्वियसली अवॉइड एक्सपोजर टू एलर्जेंस। इसके अलावा अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं स्मोक करना चाहिए, लाइक यू शुड नॉट टेक एनी स्टिमुलेंट जिससे कि ये केस ख़राब हो सके। एंड यू शुड हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट फॉर द डिजीज़। सो ऑटो इम्यून रिएक्शन जो है वो इस तरीके से मैनेज किए जा सकते हैं। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट एनी काइंड ऑफ ऑटो इम्यून रिएक्शन या फिर लाइकन प्लेनस, एंड आई वुड डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू।